सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक स्पीकर ऑडियो टेस्ट कंपैरिजन लेके आया हूँ लेटेस्ट डिवाइस का, जो है नोकिया 7 प्लस, और इसके साथ एक छोटा सा कंपैरिजन बाकी तीन फोन के साथ। एक है ओप्पो F7, दूसरा है रेडमी नोट 5 प्रो और तीसरा है वीवो V9। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि किस फोन की स्पीकर के ऑडियो आउटपुट ज्यादा बेटर है। दोस्तों ये टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे इस डिजिटल लेवल साउंड मीटर की मदद से, और इसी डिजिटल लेवल साउंड मीटर में जो वैल्यू कम से कम मुझे 2 बार देखने को मिलेगी मैं उसको कंसिडर करूंगा। दोस्तों हर बार की तरह हम यहाँ पे 2 राउंड को परफॉर्म करेंगे, एक होगा रिंगटोन टेस्ट और दूसरा होगा YouTube की वीडियो का टेस्ट। तो चलिए दोस्तों और टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को विद Oppo F7। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सेटअप को तैयार कर लिया है। Oppo F7 का जो स्पीकर ओरिएंटेशन है वो नीचे की तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिटल लेवल साउंड मीटर को ऑन कर देते हैं और अब प्ले करते हैं एक रिंगटोन को। तो दोस्तों यहां पर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 92 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की, जो है यूट्यूब की ऑडियो का टेस्ट। तो चलिए प्ले कर देते हैं अपने ही चैनल की एक वीडियो को। दोस्तों मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट 2 डिवाइसेस के बीच में, नोकिया 7 प्लस एंड रेडमी नोट 5 प्रो। दोनों वेरिएंट दोस्तों यहां पर जो है मेरे पास 4 GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं, तो देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है स्पीड टेस्ट राउंड में और रैम मैनेजमेंट राउंड में। सबसे पहले चेक करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स एंड गीक बेंच स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के, तो 1,35,482 है नोकिया 7 प्लस। तो यहां पर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 91 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बारी आती है Redmi Note 5 Pro की। Redmi Note 5 Pro का जो स्पीकर ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो चलिए दोस्तों अब प्ले कर देते हैं एक रिंगटोन को। तो दोस्तों जो हमें यहां पर मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 92 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब बारी आती है सेकंड राउंड की, तो चलिए अब हम प्ले कर देते हैं यूट्यूब की वीडियो को। दोस्तों मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट 2 डिवाइसेस के बीच में, नोकिया 7 प्लस एंड रेडमी नोट 5 प्रो। दोनों वेरिएंट दोस्तों यहां पर जो है मेरे पास 4 GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं, तो देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है स्पीड टेस्ट राउंड में और रैम मैनेजमेंट राउंड में। सबसे पहले चेक करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स एंड गीक बेंच स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के, तो 1,35,482 है नोकिया 7 प्लस की। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 91 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब बारी आती है सेकंड लास्ट डिवाइस की, वो है वीवो V9। तो दोस्तों वीवो V9 का जो स्पीकर ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो चलिए अब प्ले कर देते हैं एक रिंगटोन को। Thank you.
तो दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 92 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों अब प्ले कर देते हैं एक YouTube की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट दो डिवाइसेस के बीच में, नोकिया 7 प्लस एंड रेडमी नोट 5 प्रो। दोनों वेरिएंट दोस्तों यहां पर जो है मेरे पास 4GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं, तो देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है स्पीड टेस्ट राउंड में और रैम मैनेजमेंट राउंड में। सबसे पहले चेक करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स एंड गीकबेंच स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के, तो 135,482 है नोकिया 7 प्लस की, 112,496। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 90 डेसिबल्स। तो दोस्तों अब लास्ट डिवाइस की बारी आती है जो है नोकिया 7 प्लस। नोकिया 7 प्लस का जो स्पीकर ओरिएंटेशन है वो इस तरफ है, तो उसी तरह मैंने फोन को सेट किया है। तो चलिए अब प्ले कर देते हैं एक रिंगटोन को। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 89 डेसिबल्स। तो चलिए दोस्तों अब प्ले कर देते हैं एक यूट्यूब की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी, एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं स्पीड टेस्ट दो डिवाइसेस के बीच में, नोकिया 7 प्लस एंड रेडमी नोट 5 प्रो। दोनों वेरिएंट दोस्तों यहां पर जो है मेरे पास 4GB रैम वाले वेरिएंट्स हैं, तो देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है स्पीड टेस्ट राउंड में और रैम मैनेजमेंट राउंड में। सबसे पहले चेक करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स एंड गीकबेंच स्कोर्स दोनों डिवाइसेस के, तो 135,482 है नोकिया 7 प्लस की, 112,496। तो दोस्तों YouTube टेस्ट के अंदर जो हमें मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिली वो थी 90 डेसिबल्स। स्पीकर ऑडियो टेस्ट दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूं रिंगटोन टेस्ट की तो Oppo F7, Redmi Note 5 Pro और Vivo V9 तीनों की रिंगटोन ऑडियो आउटपुट सेम आई थी 92 डेसिबल्स। Nokia 7 Plus थोड़ा पीछे रह गया, 89 डेसिबल्स आए थे Nokia 7 Plus में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं YouTube टेस्ट की तो Oppo F7 और Redmi Note 5 Pro दोनों की वैल्यू सेम आई थी 90 डेसिबल्स, और Vivo V9 और Nokia 7 Plus की वैल्यू सेम आई थी 90 डेसिबल्स। तो यहां पर दोस्तों चारों फोन्स का जो ऑडियो आउटपुट है सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों यहां पर मैं Redmi Note 5 Pro से बहुत खुश हूं, क्योंकि Oppo F7, Vivo V9 और Nokia 7 Plus तीनों के प्राइस रेंज बहुत ज्यादा है Redmi Note 5 Pro से, तभी यहाँ पर हमें जो ऑडियो आउटपुट है वो सेम देखने को मिलती है Redmi Note 5 Pro में। ये थी वीडियो Nokia 7 Plus के स्पीकर ऑडियो टेस्ट की और छोटा सा कंपैरिजन बाकी तीन फोन्स के साथ। दोस्तों बताएं वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को दबाइए, और हमारे चैनल मिस्टर टेकी को बिना सब्सक्राइब किए तो मत जाइएगा प्लीज यार। जितने भी आप नए लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो प्लीज उस रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ। तो दोस्तों अगर आप कोई और कंपैरिजन देखना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।